हेलो एंड वेलकम टू यूवास। लेट्स कमेंस टुडेज क्लास। आइए आज की क्लास में होमोफोन्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और लास्ट टर्म में हम लोग जो होमोफोन्स देख चुके थे उसके आगे चलते हैं। इससे पहले एक करेक्शन, और उस करेक्शन को सभी लोग ध्यान से करिएगा। ये जो ऑलरेडी के सामने एडजेक्टिव लिखा हुआ है 7 नंबर पे, ये एडवर्ब होगा। ये क्या होगा माय डियर, ध्यान दें, यह एडवर्ब होगा। और इसको करेक्शन सभी लोग कर लेंगे, ये हमारे एक स्टूडेंट ने रिमाइंड कराया, थैंक्स अलॉट। आइए, हम लोग 20 नंबर तक लास्ट टर्म में देख चुके थे और 21 से आज स्टार्ट करते हैं। एसेटिक एडजेक्टिव है, तेजाबी या अम्लीय होता है, एसिड से बना, एसेटिक। और एसेटिक तो आप सभी जानते हो, ASCETIC, एसेटिक जो नाउन है इसका मतलब वैरागी या सन्यासी होता है। और ये जो दूसरा वर्ड हमारे सामने है एसेटिक, ASCETIC, ASCETIC, बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप भी बोलें और लर्न करें इसको, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक्शन नाउन है, कर्म, कार्य या कार्रवाई, जबकि ऑक्शन AUCTION यह नाउन के साथ वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है नीलामी या नीलाम करना। याद रखिएगा, ऑक्शन डबल पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड है। एक्स ऑक्शन जब नाउन के रूप में आएगा तो इसका मीनिंग होगा नीलामी या बोली, और यह जब वर्ब के रूप में आएगा तो इसका मतलब होगा नीलामी करना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा वर्ड है 23, एडेज नाउन है, कहावत या लोकोक्ति, बोला करो एडेज, ADAG, स्पेलिंग याद करना। दूसरा है एच, EDGE, जिसका जो नाउन है इसका मीनिंग है किनारा या छोर, एच EDGE किनारा, और एडेज। अब बात करें अगर कि हमारा जो एक आम विद्यार्थी है वो इस वर्ड से कम परिचित है, शायद मैं उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ जिसका वैकब एवरेज है, लेकिन इससे तो सभी लोग परिचित हैं। नेक्स्ट, 24, अफेक्शन ये नाउन है और इस वर्ड से सभी लोग परिचित हैं, स्नेह या लगाव। लेकिन अगर हम बात करें परसेंटाइल में तो ओनली 20% स्टूडेंट ही जानते हैं कि अफेक्टेशन भी एक वर्ड है, पर जिसका मतलब है बनावटीपन, ढोंग या दिखावा। अफेक्टेशन एक नेगेटिव चीज़ होती है जिसमें बनावटीपन होता है, दिखावा होता है। इस वर्ड को अच्छे से याद रखिएगा, अफ्लुएंस AFFLUENCE नाउन है, जिसका मीनिंग होता है विपुलता यानी कि प्रचुरता, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की का होना अफ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, इफ्लुएंस EFFLUENCE बहिष्प्रभाव या बहिस्राव, यानी कि बाहर को कोई चीज़ बहना, इफ्लुएंस है, याद रखिएगा। एयर मतलब वायु होता है, और हवा और वायु, यहाँ पर थोड़ा सा एक एडिशनल नॉलेज आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। देखो माय डियर, एयर मतलब हवा होता है और इसी के साथ विंड मतलब हवा होता है। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनना, अब इन दोनों का मतलब हवा होता है, लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड। एक्चुअल में जो आम हवा होती है जनरली उसे हम एयर बोलते हैं, लेकिन जब यह स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसे हम विंड बोलते हैं। जैसे कहीं भी फ्रेज लिखा हो कि स्ट्रॉन्ग डॉट डॉट, तो वहाँ एयर नहीं विंड लगाओगे। एक बार कमेंट करके रन कराओ, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, यानी जब ज़ोरदार चले तो उसे हम एयर नहीं विंड बोलते हैं। एयर एच साइलेंट होता है, अच्छे से याद रखना, एयर मतलब उत्तराधिकारी, HEIR सभी जानते हो। नेक्स्ट, एलियन ALIEN, रिवीजन करते चलें, विदेशी, पराया या पंक्तिबद्ध करना। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर पंक्तिबद्ध कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है, इसको ऐसे डिलीट कर दो, ठीक है। एलियन एडजेक्टिव है, विदेशी और पराया, यह नाउन भी है, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, यहाँ केवल नाउन लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना।
एलियन कहते नहीं, कोई एलियन है यानी कि दूसरे लोग से आया हुआ है, परदेसी है। एलियन से रिलेटेड कोई मूवी देखे थे तो अगर याद आए तो उसका नाम लिखो। और अलाइन, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें, एन के पहले जी है तो जी साइलेंट रहेगा। अलाइन ये वर्ब है जोड़ना, और जिसका मतलब होता है एक सीध में करना, यानी पंक्तिबद्ध करना। यदि हम मीनिंग लें तो ये नीचे वाले के साथ आएगा। एलमेंट नाउन है बीमारी, AILMENT, और एलमेंट नाउन है बीमारी, AILMENT, और दूसरा है एलिमेंट, यह नाउन है, यह भी नाउन है जिसका मतलब तत्व या अवयव होता है। दोनों की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेंगे। ऑल राइट ये फ्रेज है, सब ठीक है या ठीक है। और ऑल राइट कभी कभी लोग इसका भी प्रयोग कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा साफ लिखा है कि ऑल राइट में सिंगल एल वाले का प्रयोग नहीं होता, यानी कि एक ग्रामर का पॉइंट आपको मिल गया। ऑल अराउंड एडजेक्टिव है, सर्वोत्मुखी या चौतरफा, जबकि ऑल अराउंड चौतरफा। फिर से समझिए, ऑल राउंड इसका मतलब है चौतरफा, सर्वोत्मुखी, सर्वोत्मुखी या चौतरफा, ऑल राउंड, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करेगा। जबकि ऑल अराउंड ये फ्रेज है जिसका मतलब चौतरफा होता है। याद रखिएगा ये दोनों सही होते हैं, ऑल राउंड और ऑल अराउंड। तो आज बस इतना ही रखते हैं, ओनली 10 हम लोग डेली होमोफोन्स करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना निश्चित तौर पर आप कवर कर लेंगे। टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।